अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीबा लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज देखें, ये मैं आपको खूबसूरत सा शाइनी सा अपना आई मेकअप करके दिखाऊंगी। आज मैं आपको सेल्फ आई मेकअप करके दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा खुद का किया हुआ आई मेकअप कैसा लगा जो मैंने अपने ऊपर किया था। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो देखें, मैंने अपनी बेस बना ली है और मैंने आईब्रोज में फिल नहीं करती ब्राउ पेंसिल से या जेल वगैरह से। मैं सिर्फ सिंपल सा मस्कारा लेती हूँ और सिर्फ मस्कारे से मैं अपनी आईब्रोज को कॉम कर लेती हूँ बस, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क आईब्रोज अपने ऊपर पसंद नहीं है। तो मैं बस इतना ही करती हूँ कि बस सिर्फ मैं मस्कारे से कॉम कर लेती हूँ और अच्छा सा मेरा कलर भी आ जाता है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। ठीक है, तो जी भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने येलो कलर का शेड लिया है, ठीक है, बिल्कुल मैट में लिया है मैंने, फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने येलो कलर का शेड लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैं लूँगी लाइट पीच कलर का शेड लिया है मैंने, अब मैं इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। ये देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ये देखें इस तरीके से मैं लाइट पीच कलर का मैंने शेड लिया है। अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा इससे डार्क ब्राउन कलर का शेड। ये देखें मैंने ये डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये आइस के नीचे भी मैं साथ साथ ब्रश से आइस के नीचे भी ऐसे ही शेड ब्लेंड करती रहूँगी, ठीक है जी। ये देखें आप लोग मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये देखें ये ब्राउन शेड से मैंने अब ब्लेंडिंग करी है। अब मैंने थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लिया है, इससे मैं अब ब्लेंडिंग कर रही हूँ। देखें ये खूबसूरत सा ब्लेंडिंग हो गई है हमारी। अच्छा जी, अब मैंने ये लाइट कॉपर कलर का शेड लिया है, ये देखें ये मैं अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ, ठीक है। हल्का हल्का सा लगाएंगे, बिल्कुल मैं जिस तरीके से अपना सेल्फ आई मेकअप करती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ आज। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। अच्छा जी, ये मैंने लगा दिया है ऊपर आई शेड शिमर वाला, ठीक है। हल्का स्लाइट सा लगाएंगे सिर्फ आईलेट पे। अच्छा जी, अब मैं लगा रही हूँ काजल अपनी आईज़ में, मैं लगा रही हूँ अब काजल। अच्छी तरीके से काजल लगा लेंगे और यही काजल पेंसिल से हम आईज़ के ऊपर भी एक लाइन सी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मैंने ये लाइन क्रिएट कर ली है आईज़ के ऊपर, ये देखें इस तरीके से। और आईज़ में भी अच्छी तरीके से हम डार्क डार्क करके काजल लगा लेंगे। अच्छा जी, तो ये देखें ये काजल मैंने लगा लिया है। अब मैं लूँगी पेन आईलाइनर, ठीक है। इससे मैं एक सिर्फ आईज़ के ऊपर एक लाइन क्रिएट करूँगी मैं उसको ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। ये देखें बस ये मैंने हल्का सा इधर दिया है और मैं अब स्मॉल ब्रश लूँगी, उसमें हल्का सा मैं ब्लैक कलर का शेड लगाऊँगी, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। ये देखें ये मैंने जो लाइनर लगाया था उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है, ठीक है जी। ये देखें ये मैं आपको अपना खुद जो मैं अपना मेकअप करती हूँ सेल्फ मेकअप, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा जी। तो ये देखें अब मैं जो है ये आईलैश कर्लर से अपनी आईलैश कर्ल कर लूँगी और फिर उसके बाद मस्कारा लगाऊँगी मैं, ठीक है। इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आईलैश कर्लर से कर्ल करके और अब मैंने मस्कारा लगा लिया, ठीक है। अच्छे से मस्कारा लगाएंगे, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मस्कारा अच्छे से लगाना है आपने, ठीक है। जब भी ये खूबसूरत सा प्यारा सा लुक क्रिएट होगा, ग्लोई ग्लोई सा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने देखें टेयर डक पे भी मैंने हाइलाइटर लगा लिया है और ब्राउ बोन पे भी लगा लिया है, ठीक है। अब ये देखें कितनी खूबसूरत सी आंखें मेरी बन गई हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये देखें अब ये मैं दूसरी आईज़ पे भी इसी तरीके से जल्दी 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 मेकअप कर लूँगी। और ये देखें ये मैंने आपको बताया एक आँख पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, अब ये देखें दूसरी आईज़ पे भी मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखें ये अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने चलाया हुआ है क्योंकि मैंने एक आईज़ पर आपको डिटेल से बता दिया था, दूसरी आईज़ पर भी मैं आपके सामने कर रही हूँ लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें ये काजल वगैरह मैं लगा रही हूँ, सेम उसी तरीके से हम दूसरी आईज़ पे भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा सेल्फ ग्लोई सा और खूबसूरत सा शाइनी सा मेकअप अगर आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं,
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और लाइक भी नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, ये अब मैंने ज़रा लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि ये फोकस जो है ना बिल्कुल फेस पे मेरे आए, ठीक है। तो ये देखें अब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। हाइलाइटर वगैरह लगाने के बाद कितना ड्यूई सा और ग्लोई सा इफेक्ट दे रही हैं आईज़। और आप लोग भी ऐसे ही लुक क्रिएट करिएगा, मुझसे अच्छा कर सकते हैं आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे एंड तक, तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बल्कि मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये देखें, अगर आप लोगों को, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को ये मेरा मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी खूबसूरत खूबसूरत सी प्यारी सी आँखें आपको मेरी कैसी लगी हैं, और मेकअप करके थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने काजल वाजल के साथ किया था, तो चाहिए फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और प्यारी प्यारी सी वीडियोस लेकर आती रहूं मेकअप से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएँ, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर अब चलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।